بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. एफपीएससी ने फेज़ 5 के लिए जो उनके एग्ज़ाम 14 दिसंबर से स्टार्ट हो रही हैं, उन्होंने सिलेबस शेयर कर दिया है. तो जिन दोस्तों ने अप्लाई किया हुआ है और वो एग्ज़ाम का और सिलेबस का वेट कर रहे थे, तो उनके लिए ये बहुत ही आम न्यूज़ है क्योंकि 14 दिसंबर से ये फेज़ 5 जो है एफपीएससी स्टार्ट कर देगी. तो आपके को मैं एक शॉर्ट सी वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम जो सिलेबस है, जो कि केस F4 और एडवर्टाइज नंबर 6, एडवर्टाइज नंबर 7 और 5 में वो जो सिलेबस उन कैंडिडेट्स के लिए है, वो ताकि शॉर्टली मैं आपको बता दूं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो है रिसर्च ऑफिसर का जी, जो कि जिन लोगों ने इसका है केस नंबर F4 88 2000 2022. तो इसके लिए रिसर्च ऑफिसर के लिए जी जनाब ये पार्ट 1 जो है उसमें वोकेबलरी है, ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है. पार्ट 2 में कंसेप्ट ऑफ आइटरेटर एग्रीकल्चर है, चैलेंज इन पाकिस्तान एग्रीकल्चर है, एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट है, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन है, हॉर्टिकल्चर है, रेन एंड आइटरेटेड एग्रीकल्चर है. तो ये जो सारा सिलेबस है रिसर्च ऑफिसर के लिए, जो बच्चे जिन्होंने रिसर्च ऑफिसर BS 17 के लिए फूड एंड एग्रीकल्चर में अप्लाई किया, उनके लिए ये वाले टॉपिक एफपीएससी ने रिकमेंड किए हैं कि पार्ट 1 में इंग्लिश का 20 नंबर का और 80 जो है आपका प्रोफेशनल टेस्ट यानी आपके सब्जेक्ट में से आएगा. आगे है दोस्तों डाटा प्रोसेसिंग ऑफिसर, जो कि F4 और 89 2022 है. तो उसमें भी जी 100 नंबर के MCQs का पेपर है, उसमें 20 नंबर के इंग्लिश जो है वो मार्क्स से 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से ग्रामर यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है. वोकैबुलरी नहीं है इस पार्ट में, ये देख लीजिएगा. हर बंदा अपना सिलेबस देख के उसी के मुताबिक तैयारी करे. बाकी उनके लिए टॉपिक उन्होंने ये ऑपरेटिंग सिस्टम, एल्गोरिदम डिज़ाइन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन एंड सिक्योरिटी, लैन एंड वैन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तकनीक. तो ये इन दोनों के लिए था. आगे भी मैं आपसे शॉर्टली दिखाता जाता हूँ. तो इसके अलावा आप एफपीएससी की वेबसाइट पे जाके भी दोस्तों इसको देख सकते हैं. तो ये है जी 90 2022 वाले के लिए. इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए जी 20 नंबर के, इसको भी इंग्लिश के MCQs आएंगे. बाकी पावर एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, लॉजिक डिज़ाइन एंड स्विचिंग. तो ये इसका सिलेबस है जी. इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भाई ये देख लें अच्छी तरह. डीसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन केबल्स, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, रेक्टिफायर एंड कन्वर्टर. तो ये वाले वो 80 नंबर का उनको भी सब्जेक्ट आएगा और 20 नंबर का जो MCQs आएंगे इसमें से, इंग्लिश में से 80 नंबर के जो उनको MCQs होंगे. ये भी इनको 1 ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जो कि इनका 20 नंबर का इंग्लिश और 80 इनका सब्जेक्ट है जी. आगे रिसर्च एसोसिएट ऑफिसर है, इसके लिए भी 20 नंबर के इंग्लिश के MCQs हैं. बाकी 80 नंबर का जो है उनका प्रोफेशनल यानी सब्जेक्ट है, ये उसके कोर्स है. पीएसटी जो साइकिल है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एवेल्यूशन टूल्स हैं, मेथड्स ऑफ डाटा एनालिसिस हैं. तो ये सारे उसके हैं. मेजर इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी भी ये वगैरह टॉपिक कर ले तो उसके लिए 80 नंबर का इसी में से आएगा. तो डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट है जी, इसमें है इंग्लिश के पार्ट 1 में जो 20 नंबर के MCQs, बाकी इनका भी 80 नंबर का प्रोफेशनल होगा, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, एल्गोरिदम, डाटा मैनेजमेंट एंड सिस्टम. और इसके अलावा जी फॉर प्री सिलेक्टेड कैंडिडेट सिलेबस फॉर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पेज 4 बिलो. तो वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ. तो रिसर्च ऑफिसर के लिए दोस्तों जो MCQs का 100 नंबर का होगा, इसमें भी इंग्लिश के 20 हैं और 80 नंबर का प्रोफेशनल है. प्रोफेशनल में हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रैफिक अप्रेजल, इन्वायरमेंटल अप्रेजल, हाईवे ज्योमेट्री, रोड एंड ट्रैफिक और हाईवे मेंटेनेंस, लो कॉस्ट. तो ये वाले फेज़ F4 100 2022 में है. तो बाकी भी मैं आपसे शॉर्टली गुजारता जाता हूँ, आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी है. ये असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए जी उन्होंने बताया है कि इसमें जो हम लोग तो सिलेबस ही देख रहे हैं, ठीक है. टाइपिंग जो टाइपिंग टेस्ट विद इन मिनिमम स्पीड ऑफ 50 35 मार्क्स हैं. शॉर्ट टेस्ट के 35 हैं. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. जूनियर ऑर्डिनेंस मैनेजमेंट ऑफिसर में जी इसमें ये 1 ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा जिसमें 20 नंबर के इंग्लिश MCQs, 20 नंबर के मैथमेटिक्स एंड अकाउंटिंग के और जनरल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल जो कि उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड इन टॉपिक्स में से आएगा। करंट अफेयर हैं, बेसिक लॉजिक ऑफ पाकिस्तान अफेयर है, नॉलेज ऑफ IT है। तो ये वाले टॉपिक जो हैं इसमें से 60 नंबर का उनका पेपर आएगा। दोस्तों जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर है JSO, इसका भी 1 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs है 20 नंबर के, इसके भी MCQs हैं इंग्लिश के और सिलेबस में से 80 के हैं। तो सेपरेट पेपर फॉर कैंडिडेट ऑफ मैकेनिकल और टेक्सटाइल एज देयर नो कॉमनलिटी इन दिस डिसिप्लिन। तो आगे वो बता रहा है इसमें जी पार्ट 2 जो है उसमें जनरल टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, स्पिनिंग, वेविंग, डिविंग, इसमें सारे यानी ये टॉपिक हैं तो ये देख लीजिएगा। स्टैटिस्टिक ऑफिसर के लिए है, सोशल वेलफेयर के लिए है, तो इनमें भी 100 नंबर के MCQs हैं और 20 का इंग्लिश का पोर्शन और बाकी 80 के प्रोफेशनल ही होंगे। तो ये टॉपिक आप प्लीज़ अपने देख लें इसमें से वीडियो को रोक के। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो मेरा तो आपको वीडियो दिखाने का मतलब यही था, मकसद जो था कि आप लोगों को आप लोगों तक आगाही पहुंच जाए कि जी FPSC ने वो जो सिलेबस शेयर कर दिया है। इसके अलावा ये लेक्चर मेल जो BS-17 के लिए है ये सभी लेक्चरर के लिए उसने जी उनकी शेयर कर दिया है कि उनको 100 नंबर के MCQs, 20 इंग्लिश के, 50 जो सब्जेक्ट के और प्रोफेशनल टेस्ट के 30। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट अरबिक, उर्दू, इंग्लिश पार्ट विल बी 10 मार्क्स। तो उसका भी उसने ये सारा कुछ बता दिया है कि आपने क्या क्या करना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बायोलॉजी वालों के लिए, बाकियों के लिए भी मैं दिखाता जाता हूँ जितने भी लेक्चरर हैं उनके लिए, सभी के लिए है। आप लोगों भी यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके अपने टॉपिक को लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर मज़ीद आप FPSC की वेबसाइट पे जाके भी दोस्तों वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि इसी वीडियो में आप लोगों को दिखा दूँ। तो आगे ये कुछ और पोस्टों के लिए भी दिखा रहा है, प्लीज़ इनको भी देख लीजिएगा। तो ओरिएंटेशन एंड ब्रीफिंग ऑफिसर है, इंस्पेक्टर के लिए है। तो ये टॉपिक आई होप कि आप लोगों को आ रहे होंगे। एस्पायरिंग वैल्यूएशन ऑफिसर के लिए है, प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए है। तो इंग्लिश का पोर्शन तो सभी में 20 मार्क्स का सेम है। इसके लिए मेडिकल ऑफिसर, डेंटिस्ट के लिए, असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ स्टोरेज के लिए। तो ये सारी पूरी ऐड मैं एक दफ़ा आप लोगों के गो थ्रू करवा रहा हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह कर लें। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, लेक्चरर फीमेल के लिए, तो ये लेक्चरर फीमेल की अब वो जितने भी आएंगे टॉपिक उनसे रिलेटेड वो सारे दिखाएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो प्लीज़ अच्छी लगी इसको लाइक करें, दोस्तों में जो कि आपके दोस्त इस फेज़ 5 में अप्लाई किया है तो उनको बताएं ताकि वो अप्लाई वगैरह करें। तो आपको वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। तो अपना ख्याल रखें। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। बाकी ये वीडियो इंशाल्लाह आपको एंड तक मैं दिखा देता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह देख लें ताकि आप तक सारा सिलेबस पहुँच जाए। तो आई होप कि मैंने सभी पेजेस तक पहुंचा दिया होगा आपको जितने भी थे। डाटा कंट्रोल लाइब्रेरियन फीमेल के लिए है, प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए, लेक्चर इंस्ट्रक्टर के लिए है। ये 7 एडवर्टाइज नंबर आ गया जी, 7 का सिलेबस दिखा रहा है जूनियर के लिए, स्टैटिकल ऑफिसर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, लेक्चर मेल फीमेल के लिए। तो चलें, अपना ख्याल रखें। फी मानिल्लाह, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।